सेशन था उनके साथ, मेडिटेशन सेशन, उसको शिविर बोलते हैं, उसको शिविर, तो वो शिविर था, तो वो मेडिटेशन सेशन था, तो 12 बजे बैठे थे, आज तक मेरे हाथ पैरों में भी स्ट्रेन है, क्योंकि वो आसन पे जमीन पे बिठा के और बैठना और पालथी मार के बहुत थकावट होती, ऑनलाइन था, जूम पे ऑनलाइन था। अब वो लोग सिद्ध लोग हैं, उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन से मतलब नहीं होता, वो एनर्जी तुम्हें वैसे ही फील होगी जैसे वो ऑनलाइन भी कराते हैं ना, जब आप बैठोगे वैसे तो तुम्हारा पूरी बॉडी एकदम वाइब्रेट, जब एनर्जी भेजते हैं तुम्हें लगेगा एनर्जी, उसमें ही नहीं कॉन्सेप्ट चलता कि ऑनलाइन एनर्जी कैसे आ जाएगी, तो कोई बस थोड़ी ना कि कंप्यूटर में से कैसे निकल आएगी, वो एनर्जी है। तो वो जैसे मेडिटेशन, वो एक्चुअली जो ये दिन होते हैं ना, शिवरात्रि और दिवाली, ईद और होली और जो भी फेस्टिवल्स हैं बड़े बड़े, उससे रिलीजन से मतलब नहीं, धर्म कोई भी हो, जो फेस्टिवल्स होते हैं वो उसी दिन फेस्टिवल्स रखे ही जाए, ऐसा बना ही सिस्टम कि जिस दिन कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है बहुत हाई होती है, उस दिन अगर आप कोई भी काम मेडिटेट करने वाला, पढ़ने वाला, जैसे उस दिन सवाल लगाइए, मेडिटेट करिए, तो आपको बहुत दुगना, चार गुना, दस गुना एडवांटेज होता है, पता नहीं चलेगा शुरू शुरू में, क्योंकि आप बहुत नॉन सेंसिटिव, जैसे एक भैंस होती है, गैंडा होता है, जैसे आप गैंडे की स्किन देखोगे इतनी मोटी सी होती है, हाथी की स्किन होती है कि नहीं होती, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत ऐसे एक तिनका लेकर, लकड़ी का टुकड़ा लेकर, या थोड़ी बहुत आलपिन लेकर, या कोई नुकीली चीज लेकर ऐसे ऐसे खरोंचो, क्या गैंडे को पता चलेगा? हमें पता चलेगा, हमारे शरीर पर एक छोटा सा मच्छर बैठ जाता पता चलता है, बताइए भले ना काटे बैठे के वाला के पता चल जाता कि नहीं पता चलता, क्योंकि हमारी स्किन गैंडे से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है।